तो शानदार खेल देखा है कल भारतीय हॉकी टीम ने। रमजान के पाक महीने में भारत ने पाकिस्तान को एक विशेष तोहफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में गलती से घुस आए पाकिस्तान के 3 नौजवानों को सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। एक बार फिर भारत की तरफ से इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की गई। भारतीय सीमा में गलती से घुस आए पाकिस्तान के 3 नौजवानों को सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया। दरअसल ये पाकिस्तानी युवा गर्मियों की छुट्टियों में बॉर्डर घूमने के लिए सीमा पर आए थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण ये तीनों भारतीय सीमा में आ गए और इनको BSF की 70वीं बटालियन ने पकड़ लिया। जब इन तीनों से पूछताछ की गई, तब ये बात सामने आई कि ये लोग गलती से सीमा पार आ गए हैं। इसके बाद इनको पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। रमजान का महीना होने के कारण BSF ने इनको उपहार के तौर पर चॉकलेट और तोहफे भी दिए। रिश्तेदारियों से मिलने के लिए आए थे, तो यहाँ बॉर्डर में ये तो पता था नहीं कि भाई इंडिया कहाँ से शुरू होता है, तो आ गए थे बॉर्डर के नज़दीक। तो अपने जो दिन में गार्ड होती है उन लोगों ने इनको पकड़ लिया था, मोटरसाइकिल पर थे ये। हमने अपनी अथॉरिटीज़ को भी बताया ऊपर, तो उन्होंने कहा कि इसको सीधा उनके हवाले कर दिया जाए। तो हमने अभी इनके विंग कमांडर बशीर मलिक हैं, उनको बुलाया था, मीटिंग की और सीधा उनके हवाले कर दिया। इन तीनों की उम्र 14 से 18 साल के बीच है। तीनों ने BSF का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो भारत से मीठी यादें लेकर पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। इन्होंने हमारी बहुत इज्जत की, खातिरदारी की है, और इनका शुक्रिया कहने हमें कुछ नहीं कहा। इन्होंने फिर यहाँ पानी पिलाया हमें और यहाँ सुकून से रखा, रोटी खिलाई। तीनों बेकसूर युवकों की अपने वतन वापसी कराकर भारत ने एक बार फिर से अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया है। लेकिन जरूरत है कि पाकिस्तान भी भारत की ऐसी पहलों का उसी गर्मजोशी से जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।